हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? ठीक हो ना सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए। तो और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारी आज फर्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि नॉनस्टॉप गेमिंग के बारे में। तो लोग, आप लोगों को पता ही है कि अभी के टाइम में कुछ क्रिएटर जैसे टेक प्रो हर्ष, शिवा भाई, मेंटोर एक्स एफ एफ, ये सभी क्रिएटर्स एनजी के प्लेयर्स को हैकर बता के उन पे एक्सपोज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो और इसी के ऊपर नॉनस्टॉप भाई ने कल लाइव में रिएक्ट किया है और भाई लोग, नॉनस्टॉप भाई ने इन क्रिएटर्स को एक ओपन चैलेंज भी दे दिया है कि ये सभी क्रिएटर्स एक साथ लाइव आके नॉनस्टॉप भाई से आमने सामने लाइव में बात करें। तो यार आप लोग क्लिप खुद देख लीजिए। नॉनस्टॉप ब्रो टिकटॉकर की मारो अच्छे से और सब क्लियर करो। भाई देखो, जिस दिन डेट मिल जाएंगे मैं बिल्कुल वेला हूं। मैं भी थोड़ा सा लाइट का अगर इशू होता है तो कोई नहीं अगले दिन, बट मैं हर डेट में फ्री हूं। जिस दिन मेरे को डेट दे देंगे उस दिन ही मैं लाइव खोल के बैठ जाऊंगा यूट्यूब पे, उस दिन ही मिल लूंगा। तो उन चीजों की टेंशन मत लो तुम लोग। ये जो भी बंदे कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, कुछ स्पैमर्स भी आ सकते हैं डिस्कॉर्ड में बैठे बैठे, बट कोई नहीं, उनका इलाज मैं कर दूंगा। कोई स्पैमर तुम्हें दिखेगा नहीं, सीधा लाइव पे ही मिलेंगे। बिल्कुल वेला बैठा हूँ यार, मैं डेली लाइव करता हूँ। जिधर भी उनको मिलना है, किक पे मिलना है, यूट्यूब पे मिलना है, जैसे भी मिलना है वैसे वो लोग मिल सकते हैं। पहले भी पता नहीं यार कितने यूट्यूबर्स थे, पहले भी बहुत बंदों ने ट्राई किया। क्योंकि यार यहाँ पे हम लोग बात सीधा, भाई इधर आके बात करो ना, वीडियो बना के क्या मिल रहा है तुम लोगों को, डायरेक्ट ही बात कर लो और देख लेना। भाई लाइव पे आने के बाद भी, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, लाइव पे सब बात होने के बाद भी, चीजें होने के बाद भी इनके वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि व्यूज भी तो लेने हैं। अरे यार वही है ना भाई, एक एक करके देखो ना, तो मैं इन चीजों को सीरियस लेता हूँ जो भी ये चीजें चल रही हैं, और ना ही भाई मैं इन चीजों से व्यूज लेना चाहता हूं कि ऐसे बना दूं ऐसे बना दूं। तो मैं नहीं चाहता कि सबकी हम बारी बारी से लें, ना इतना टाइम है, सारे एक साथ आ जाएं वो बेस्ट है। और भाई मैं अकेला ही रहूंगा, देखो मैं बता देता हूं, किसी प्लेयर से रिलेटेड काम हुआ बुलाना पड़ गया वो बात अलग है, वरना मैं अकेला ही रहूंगा। तुम जितने हो, 5 हो 8 हो 10 हो, सारे आ जाना एक साथ। तो वह लोग बढ़ते हमारे आज की नेक्स्ट स्टोर की तरफ, जो कि नेक्स्ट मैक्स के बारे में। तो वह लोग, आप लोगों को शायद पता हो कि शिवा भाई ने एनजी के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि भाई ने मैक्सा भाई की भी बैन आईडी दिखाई थी। तो यार इसी के ऊपर मैक्सा भाई ने लाइव में रिएक्ट किया है। तो यार इससे रिलेटेड मैक्सा भाई ने क्या कुछ कहा, आप लोग क्लिप खुद देख लीजिए। मैक्सा भाई, आपको क्या लगता है नोटा और टकारू का आईडी वियतनाम वाला कैसे बैन हुआ? नहीं पता यार, मुझे तो ये नहीं पता उनकी आईडी बैन कौन सी हुई जो वो बताते हैं कि बैन हुई है। मैंने वीडियो नहीं देखी, मेरे पे ग्रुप में आया था क्लिप, वो सिर्फ जो मेरी आईडी बैन वाले का जो क्लिप था ना, जो उन्होंने वीडियो डाल रखा है, तो उसका छोटा सा क्लिप आया था मेरे पे रिकॉर्डेड। बस वही आया था मेरे पे और मैंने उतना ही देखा, बाकी मैंने वीडियो वगैरह नहीं देखा उनका, तो मुझे नहीं पता उस वीडियो में किसकी बात हुई, कौन सी आईडी की बात हुई, कुछ हुई। तुम्हारा कैसे बैन हुआ? भाई मेरी जो आईडी थी वो मेरी आईडी ही नहीं थी, रुक जाओ उसका दिखाता हूँ मैं तुमको, नाम वाम दिखा के सब क्लियर ही कर देता हूँ। तो देखो 9614 28702, अरे 28 नहीं है यार, ये 20 है। ये देखो इसमें नाम किसका है, इसमें नाम देखो, नाम किसका है, Natoli777 फ्रॉम एनजी स्पोर्ट्स। ये आईडी मैं खेलता था, ये आईडी मैंने खेलना छोड़ दिया था इसमें, क्योंकि मेरी आईडी नहीं थी, जिसकी आईडी थी वो बच्चा इतना चूतिया सा था ना, वो 50 बंदों को बांट के रखता था, तो मुझे भाई डर था कि ये आईडी में ये सब चीज़ें हो सकती है, तो मैंने इस वजह से इस आईडी से खेलना ही छोड़ दिया था। एंड उसके बाद ये आईडी बैन हुई जब मैंने खेलना छोड़ दिया। देखो नाम भी चेंज है, सब कुछ चेंज है, उसके काफ़ी टाइम बाद ये आईडी बैन हुई। ये मेरी तब की आईडी थी जिससे मैं खेलता था, और फिर दूसरा अकाउंट का भी ऐसा ही सीन था। दूसरे अकाउंट का क्या है जो आईडी, उसका नहीं याद है। फ्रॉम बांग्लादेश, दूसरे वाले अकाउंट तो मेरे सामने ही बैन हुई थी यार, 3879 73 615, ये तो लिस्ट में भी है मेरे दूसरे अकाउंट के। ये भाई इतना खतरनाक था ना इसका कलेक्शन, ये देख लो ये। और इस टाइम पे ना मैं आईफोन में खेलना शुरू कर चुका था। नेम चेंज कैसी है उसकी वीडियो में, वो उसने वहां से नहीं दिखाया ना, उसने नॉनस्टॉप भाई की लाइव से बस क्लिप उठा के मिसलीड करने के लिए सिर्फ दिखा दिया। वो गेम में आके प्रोफाइल खुल के दिखाता तो समझ आता ना कि भाई लास्ट कौन खेल रहा था जब बैन हुई थी,
किसका नाम है किसका नाम नहीं है। उसने सिर्फ ये दिखाया कि NGM4XFFX नाम था उस टाइम पे, मैं खेलता था नॉन्स्टॉप भाई की लाइफ पे, ये आईडी बैन हो गई, तो ये आईडी मेरी ही थी, मैंने ही बैन कराई। और ये वाला अकाउंट जब बैन हुआ था ना, तब मैं खेलता था अपने आईफोन में, जिसको नहीं पता मैंने आईफोन ले लिया था तब तक, और मैं आईफोन में खेलना शुरू कर दिया था। तो ये तो भाई बैन होने का चांस ही नहीं है। मेरे पे चैट भी शायद पड़ी होगी जब मैं ग्रुप में था एनजी स्पोर्ट्स वाले पे, जब बैन हुई थी, या किसी से तो मेरी बात हुई होगी। मैं आईफोन में खेलना शुरू कर दिया था तब ये आईडी बैन हुई थी, वो भी ये भी आईडी उसी बच्चे की थी। तो ये वाला अकाउंट जब मैं आईओएस में खेलता था तब बैन हुई थी। तो भाई ये तो मैं बैन करा ही नहीं सकता, मेरा फोन तुम आगे आज भी चेक कर लो, अगर जेल ब्रेक मिल जाए तो बोलना। इसमें तुम नोटिस करना एक चीज, ये नीचे तुमको ये बार दिख रहा है, ये बार दिख रहा है ये नीचे, ये जो है ये बार दिख रहा है, ये किस फोन में आता है तुम ये बताओ। आईफोन में आता है ना, इस टाइम पे मैं सेम आईडी है, नाम भी देख लो, नाम पढ़ लो, मैक्स गॉड। तो ये भी अकाउंट मेरा नहीं था, इससे मैं खेलता था, और ये अकाउंट का भी एक्सेस उस बंदे ने बहुत लोगों को दे रखा था। तो ये वाला भी अकाउंट सेम उसी वजह से बैन हो गया, तभी से मैंने उससे कॉन्टेक्ट भी तोड़ दिया। और मेरे पे चैट भी पड़ी उस बंदे के साथ जब ये सारी बातें हुई थी, मैंने बोला था कि भाई तूने ना जाने किसको किसको आईडी दिया, बैन कर दिया उन्होंने, हो सकता है आगे इन फ्यूचर चल के मेरा नाम आए। तो ये सारी बातें चैट भी पड़ी है मेरे पे, लेकिन अब वो 2-3 साल पहले की बात है, उनको व्यूज चाहिए तो वो आ गए आज, और मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बंदे पूछ रहे थे। बाकी तो अगर मैं क्लियर भी नहीं करता तो कोई क्या ही कर लेता, मेरा कुछ नहीं कर पाता फिर भी, बस मैंने बता दिया। तो यार बढ़ता हमारी अच्छी लास्ट स्टोर की तरफ, जो क्या B2K के बारे में। तो वह लोग यश भाई ने अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि भाई ने कुछ प्रूफ देकर B2K को पैनल यूजर बता दिया है। तो यार आप लोग क्लिप खुद देख लीजिए। Want to Kill ने कमबैक करा भाई, पूरी कम्युनिटी चाहे वो इंडियन सर्वर हो, मीना सर्वर हो, कोई भी सर्वर हो, सब बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली द ओल्डेस्ट लेजेंड का कमबैक हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कमबैक था ना भाई, बड़ा ही खतरनाक था, और इतना खतरनाक कि मैं क्या ही बोलूं। जो बंदा पहले अकेले RoKFF Y444 के खिलाफ सबूत वगैरह दिखाता रहता था, हर चीज के लिए खड़ा होता था फेयर कम्युनिटी के लिए, वही बंदा ऐसा समय आ गया था कि पैनल यूज करने लग गया था। अब अगर तुम इस वीडियो को जाके देखोगे तो तुमको पता लगेगा कि इसमें आलोक कौरव जो है सर पे जा रहा है। और अगर तुम मेरे को जानते हो और कहीं ना कहीं मेरी पुरानी वीडियोस देख रखे हो, या फिर तुम पे थोड़ा सा भी दिमाग है, बैल बुद्धि भैर चाल, या फिर तुम्हारा दिमाग घुटनों में नहीं है, तो तुमको ये चीजें समझ में आएगी मुन्ना, कि अगर सर पे किसी का आलोक आ रहा है इसका मतलब है कि ही इज अ पैनल यूजर, वो कहीं से भी फेयर नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ बोध बालक 9 साल की ऑडियंस कमेंट करेगी, भाई हो सकता है ग्लिच हो, या ये हो गया होगा, ये हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, क्योंकि देखो ये अपने अब्बा के नाम को बचाने में ना सबसे पहले आ जाते हैं। भले इनके आंखों के सामने पूरी सच्चाई दिख रही होगी, लेकिन फिर भी झुक के खड़े हो जाएंगे अपने अब्बा के लिए। ये जो आलोक के सर वाला ग्लिच है वो होता नहीं, और अगर तुमको करना है ये ग्लिच तो उसके लिए तुमको या तो बैक फ्लिप रिमोट दिखाना पड़ता है या फिर पुश अप रिमोट। लेकिन इस वीडियो में 3 बार बॉर्न टू किल का सर पे आलोक आया है, लेकिन तीनों में से 3 बार कहीं भी इसने ना इमोट दिखाया ना ऐसा कुछ करा है, नॉर्मली ऑन हुआ है। और ऐसा ग्लिच तुम्हारे साथ या किसी के साथ ऐसे नहीं होता। और एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि तुमको पता है कि बॉर्न टू किल जो पार्टनर प्रोग्राम के अंदर है, लेकिन इस वीडियो में तुमको दिखेगा कि ये अपनी किसी दूसरी आईडी से खेल रहा ताकि कल को बैन भी हो तो कोई सीन ना हो। वाह मुन्ने वाह, अब देखो इतना प्रूफ तो तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुमको नहीं मानना कि है कर तो मानते रहो। तो वह लोग अब टाइम आ चुका है कि आज का वीडियो यहीं तक एंड करें, और आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय लोगों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।